Good morning guys, what's up? Welcome to my channel, welcome to another vlog. पता है मेरे साथ क्या हुआ सुबह सुबह? So, मैं सुबह उठी और पूरे मूड में उठी कि मुझे व्लॉग करना है, ठीक है? पर मैंने कहा अरे यार, यहाँ पे ना मेरा जो कैमरा है उसकी बैटरी नहीं थी घर पे, तो मैंने कहा चलो मैं अब ऑफिस तो फटाफट मुझे जाना ही है, तो मैं ऑफिस जाके व्लॉग शुरू करती हूँ. वहां पे पड़ी है बैटरी, तो मैंने मतलब ऐसा सुबह वाले अपने सारे कार्यक्रम किए और फटाक से आ गई मैं ऑफिस के, चलो अब व्लॉग शुरू करती हूँ. यहाँ पे आके मैंने बैटरी निकाली, बैटरी डाली कैमरा के अंदर एंड फिर रियलाइज किया कि जो मेमोरी कार्ड्स हैं वो सारे के सारे घर पे छोड़ आई हूँ. हाँ, ये थोड़ा हो जाता है, चाहे जितना मर्जी कह लो कि ये याद रखा करो, ऐसे याद रख लिया करो या वैसे किया करो, हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ याद आता है कि अरे यार ये चीज उधर पड़ी है, फिर याद आता है अरे वो चीज इधर पड़ी है. अच्छा, दिमाग में ये भी आया था कि चल ज्योति व्लॉग शुरू कर ले, भले फोन से कर लो. मैंने कहा नहीं यार, फोन से क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, मैं नहीं कर रही, मैं जाके वहां पे कैमरे से ही करूंगी. और अब फाइनली मैं फोन से ही कर रही हूँ यहाँ आके, क्योंकि फिर से मेरे पास अब मेमोरी कार्ड नहीं है. और अब अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, क्योंकि ऑनेस्टली टाइम नहीं है इतना कि मैं व्लॉग भी करूं और अब मैं जाके वहां पे वापस से कार्ड्स उठाऊं, बिकॉज आई हैव अ वेरी बिजी डे अहेड. एंड जो सबसे पहला काम है दिन का आज, वो मतलब एक फिक्स टाइम पे ही होना है. मुझे 11 बजे कहीं पे पहुंचना है, नहाना वहाना है, रेडी होके मुझे जाना है एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए. सो मेरे घर के काफी नजदीक ही, मतलब ऐसे 10-15 मिनट्स का रास्ता है, एक वर्कशॉप हो रही है. जब उसका मैंने देखा ना एड वगैरह तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं ऐसी चीजें करने भी लग गई हूँ, लाइक कैंडल मेकिंग करती हूँ, मंडाला करती हूँ, तो मैंने कहा ये वाली भी वर्कशॉप कर ही ली जाए. सो यस, आई हैव टू फर्स्ट गेट रेडी एंड देन लीव फॉर दैट वर्कशॉप. 11 बजे की है और 1 बजे तक वो चलेगी, ठीक है? उसके बाद बाकी और क्या क्या मैं कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से एक काम ये भी है. आप ये देख रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आया कि नोज पिन गिरा कब है मेरा. अभी कल परसों मैं अपने आपको ऐसे निहार रही थी, आई थिंक स्किन केयर कर रही थी या कुछ तो कर रही, तब मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा कि यार मेरा नोज पिन कहाँ गया. मतलब ना मुझे कोई दर्द हुई ना कुछ हुआ, पता ही नहीं कि कहाँ निकल गया. सो इससे पहले कि ये वापस से होल मेरा बंद हो, सबसे पहले आज जाके इसमें कुछ डलवाया जाए. अभी ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी बंद हो गया है, बट पता नहीं. एनीवेज, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक बाथ नाउ. मैं आप लोगों को फिर मिलती हूँ थोड़े से टाइम में. ओके जी, मैं नहा ली हूँ, मैंने ये पहन लिया है अपना कॉटन का सूट. गर्मी बहुत हो रखी है क्योंकि नई नई अभी बारिशें होनी थोड़ी बहुत चालू हो गई है, तो उससे पूरी एकदम जो ऐसे धरती की जो हीट है ना वो बाहर निकल के आ रही है, तो ज्यादा ह्यूमिड हो गया है अभी आजकल, कुछ दिनों के लिए रहेगा अभी. सो कंफर्टेबल ही पहना है मैंने. बाय द वे, आप लोग को याद है कि मेरा ये जो एंट्रेंस डोर था स्टूडियो का, रिमेम्बर, इसके सामने यहाँ पे बहुत टाइम से कर्टन नहीं लगा हुआ था. फाइनली कल मैंने बुलाया एक कारपेंटर को और मैंने ये लगवा लिया. अभी थोड़ा मुझे ऐसे डाउट है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट जिस दिन शूट करूंगी उस दिन देखूंगी कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वीडियो में अच्छा लगा देन इट्स फाइन. फिर भी लिंक दे दूंगी मैं नीचे, मैंने अमेज़न से खरीदा है, देख लेना आप लोग अगर आपको पसंद आ रहा है तो, बट आई एम डाउटफुल अभी. ब्रेकफास्ट में अपना पैक करवा रही थी नीरज से, दिस इज ब्रेड ऑमलेट एंड नारियल पानी. किसी किसी नारियल से इतना कम पानी निकलता है और किसी किसी से बहुत ज्यादा निकलता है. एनीवे, आई एम नाउ गोना हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम रेडी होते हैं. माय ब्रेकफास्ट इज डन, मेकअप करके फिर अपन निकलते हैं अपनी वर्कशॉप के लिए. ये मैंने बैग लिया है साथ में, ये मैंने लिया था बाली से, तो इसमें मैंने सारी जरूरत की चीजें डाल ली है जो मुझे लग रहा है मुझे चाहिए हो सकती हैं. वर्कशॉप के लिए मुझे कुछ नहीं उठाना था, वहां पे खाली आ जाना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय देम, बट अदरवाइज अपनी पर्सनल चीजें मैंने कुछ रख ली हैं. दिस इज द बैग. ओके रेडी, लेट्स गो.
ओके तो कैमरा मैंने उठा लिया फाइनली घर से, बिकॉज फोन में ना और बहुत सारे काम होते हैं, कभी डायरेक्शन लगानी है मैप्स वगैरह पे, कभी कुछ करना है, किसी फोन आ गया किसी का, तो मैंने कहा उठा ही लेती हूँ कैमरा। तो फाइनली घर गई, कैमरा उठाया, यहाँ से व्लॉग जो होगा वो कैमरा से होगा, ठीक है। अब मुझे जहाँ जाना है वो मैं एक्चुअली लोकेशन डाल लेती हूँ, बिकॉज एरिया पता है मुझे, बट एग्जैक्टली वो जो जगह है जहाँ पे वर्कशॉप है वो मुझे नहीं पता है, सो लेट्स डू दैट। दुलाली नाम की जगह है बाय द वे। दुलाली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस हुआ करती थी, अंधेरी वाली, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली थाने में भी दुलाली है। सो आज दुलाली में ही वर्कशॉप है। यहाँ से 17 मिनट्स दिखा रहा है, तो अराउंड 20 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके सो पहुंच गई मैं उस लोकेशन पे जो मैंने आपको बताया था, दुलाली नाम की जगह पे वर्कशॉप है। वहां पे एंटर होते ही सबसे पहले उन लोगों ने सारा मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ था टेक्सचर वर्कशॉप में, जिस जिस चीज की भी जरूरत थी, ये कैनवस वगैरह सब कुछ। उसके बाद स्टार्टिंग का एक घंटा थोड़ी चीजें एक्सप्लेन की गई, जैसे पहले इंट्रो हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा मटेरियल के बारे में बताया गया, और फिर हमारा शुरू हुआ प्रैक्टिकल। बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई मैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी आप आर्ट देख रहे हो सारा, मतलब इसमें हाथ गंदे होने ही थे। हम लोग ये जो पुट्टी होती है ना उसके साथ काम कर रहे थे, तो इसलिए ज्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया। इनका इतना परफेक्ट हुआ है, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस थिंग, स्ट्रेट लाइंस विद प्रॉपर आर्क। ओके तो पहली आर्ट हो गई डन, ये दिख रही है कुछ ऐसी, आई एम सो हैप्पी विद दिस वन। उसके बाद उन्होंने प्रोवाइड किया है दूसरा कैनवस जो उससे थोड़ा छोटा है, इसमें ये लोग बताएंगे कि कलर के साथ आपको कैसे वर्क करना है। सो इसलिए नेक्स्ट जो आर्ट आप देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा कलर का यूज हुआ है, एंड दैट इज इट। यही थी वर्कशॉप। उसके बाद सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने एक दूसरे की जो जो भी आर्ट जिस जिसने भी बनाई है वो देखी, और जो मेंटोर थी उन्होंने सबकी तारीफ करी, उनको मोटिवेट किया, और या दिस इज इट, ये है सबकी आर्ट। सब लोगों ने इतना अमेजिंग काम, और सारे लोग इतना अच्छे थे ना, मतलब मैं क्या बताऊं, इट वाज रियली रियली नाइस एक्सपीरियंस। ये वाली तो सूख गई है, बट ये वाली नहीं सूखी है, सो दोनों को ऐसे अलग अलग प्लेस कर दिया। नाउ लेट्स गो डू द नेक्स्ट थिंग। डन विद द वर्कशॉप, बहुत मजा आया, वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक आई शुड बी डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स मोर ऑफन। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है कि मेरे को जाना है डॉग फूड खरीदने के लिए, क्योंकि आज सुबह मेरे को रश्मि का फोन आया था। रिमेम्बर मैंने अपने 5 ईयर्स ऑफ यूट्यूब कैसे सेलिब्रेट किए थे, मैं एक जगह पे गई थी वेर यू नो दे टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेज, तो उनका आज सुबह मुझे मैसेज आया था कि उनको थोड़ा डॉग फूड की जरूरत है, अगर कोई हेल्प कर सकता है। तो मैंने कहा कि मैं ही कर देती हूँ, तो मुझे अब पहले जाना है और उनका वो जो डॉग फूड जो एग्जैक्टली वो लोग खाते हैं वो खरीदने के लिए, एंड देन आई विल गो, खुद से ही दे दूंगी। मैं एक्चुअली डिलीवरी भी करा सकती थी, बट इस बहाने ना वो जो बच्चे हैं मैं उनको मिल भी लूंगी, काफी दिनों से मिली नहीं हूँ, तो आई विल गो एंड मीट ऑल द किड्स। ओके तो अभी मैं लोकेशन डाल रही थी उस जगह की जहां से वो वाला डॉग फूड मिलता है जो बच्चे खाते हैं, वो वाले वो जगह दिखा रहा है क्लोज, क्योंकि आज संडे है, वो आज संडे के कारण आई थिंक क्लोज दिखा रहा है। चलेगा अगर मैं कल आऊँ? नो प्रॉब्लम चलेगा पक्का। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ओवर हो गया डॉग फूड? नहीं नहीं, एक इंपैक्ट आज एक बैग लेके आए, एक डोनर मतलब लेके आए बैग, ठीक है, नहीं है कि स्टॉक है, ठीक है, तो मैं कल पक्का से आती हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, डन, ठीक है, थैंक यू, बाय रश्मि। चैपी नाम की जो का जो डॉग फूड है ना वो एक्चुअली बहुत कम जगहों पे मिलता है, तो मैं ये काम करती हूँ कल, और आज हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं जो कि है ये नोज पिन वाला। अच्छा अभी मैं ज्वेलर के लिए जा रही थी ना जहाँ से मुझे नोज पिन वाला काम कराना था, कैन यू इमेजिन, रस्ते में मेरे को वही जगह एग्जैक्टली खुली हुई दिख गई, गूगल पे जो क्लोज दिखा रहा था वो मुझे दिख गया कि खुली हुई है, तो थैंक गॉड मेरी नजर पड़ गई। तो अब हम एक्चुअली पहले बच्चों वाला काम करते हैं। गूगल पे आप लोगों की जगह बंद दिखा रहा है, तो क्यों ऐसा? ये तो मेरी चलते चलते नजर पड़ गई, नहीं तो मैं रश्मि को बोल रही थी कि मैं किसी और दिन ले, जल्दी बंद कर दे संडे ऐसे। अच्छा अच्छा, क्योंकि दो ही तीन जन रहे थे, छुट्टी नहीं है हमारा, दो तीन घंटा पहले बंद कर दे, ठीक है, मेरे को चैपी दे दो वही वाली, पांच बैग ऊपर है, हाँ पांच आ जाएगा, हाँ, और बस आज भी मैंने वही बोला एक्चुअली कि सर उनका वही खत्म है, मैम ने बोला रश्मि ने, कंटिन्यू उनका वही चल रहा है, 20 किलो 5 बैग चैपी लेके आए इधर से कार में, तो कितना हुआ 5 बैग का? यस यस कर देता हूँ। रश्मि वो खुले हुए थे एक्चुअली, ओपन थे वो लोग, गूगल पे दिखा रहा था सिर्फ क्लोज, तो मैं आ गई हूँ, ले रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ वहीं पे, डन ओके थैंक यू। आपका वीडियोस देखा मैंने, गाड़ी इधर बगल पीछे लेते थे, डायरेक्ट पीछे डाल देता था,
अब इधर ही खड़ी है जहाँ पे उस दिन भी खड़ी करी थी एक्चुअली। कितने का लगाया एक पैकेट आपने? कर लो 2480 3100 दिखाई दिया ना, तो इसलिए वो आपका MRP है, उस पे डिस्काउंट करके कैलसी आप कर लो 12400। हाँ, शेक हैंड्स माय पेट स्टोर। यस यस, बिना बोले मैडम पहले दिया हूँ। हाँ, हाँ, मेरे पास बिल है, उनको जाता है, मेरे को मालूम है। ठीक हो गया। ओके, तो डॉग फूड ले लिया हम लोगों ने। ओके, तो नेक्स्ट काम के लिए आ गई हूँ मैं, जो कि है मेरा नोज पिन लेना। तो मैं कैरेट लेन दिखा मुझे रस्ते में, मैं यहीं पे आ गई हूँ। अच्छी वैरायटी थी यार यहाँ पे नोज पिन वगैरह की, और भी चीजें मैंने चेकआउट करी, बट लेना मुझे सिर्फ नोज पिन था, जबकि मैं अट्रैक्ट हो रही थी और चीजों की तरफ, बट मैंने मेक श्योर किया कि सिर्फ नोज पिन लूं। गया? लग रहा है कि आया नहीं? आया आया, मेरे नेल की वजह से शायद फील नहीं हो रहा मुझे। परसों ही उतरा उसकी वजह से। वो यहाँ से अब दब रहा है ना, तो इसलिए दर्द हो रहा है। थैंक यू। ओके, डन। पहले वाले नोज रिंग से थोड़ा बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर ऐसे दिख रहा है कि पहना हुआ है। पिछली बार वाला बहुत छोटा था, बट ठीक है, अभी यही जो ऑप्शन थे उसमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो यही आ रहा था, तो हाँ आई थिंक अच्छा ही लग रहा है यार। बट फालतू में बैठे बैठे ऐसे ना, मतलब नुकसान हो गया। वो भी डायमंड का था बाय द वे, ये तो है ही डायमंड का, कैरेट लेन से लिया है, लेकिन ये ज्यादा महंगा है। वो सस्ता था क्योंकि वो मैंने ना चंडीगढ़ में भाभी के साथ जाके लिया था ऐसे ही एक नॉर्मल ज्वेलर से, तो वो मुझे पड़ा था, वो सस्ता था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने का, बट ये मुझे पड़ा है 8500 रुपए का। अब हम जा रहे हैं बच्चों को मिलने। आराम से। हाँ जी, वो तीखे तीखे नेल्स वाली कौन सी थी? ये गंदू। अच्छा, बाकियों को भी मिलने दो बाबा। बस बस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आराम से। आओ। अच्छा चलो आगे चलो, रुको तो फिर अब्बा। हेलो, ये नया बारिशों के लिए बढ़िया हो गया ये। हाँ, पहले ये वाला शेड भी नहीं था ना ऊपर। हाँ, वो शेड निकालना है, वो पुराना वाला शेड है ना। अच्छा, वो निकालना है, उसमें क्या है, वो वायरिंग अटका हुआ है ना। हाँ, रुक तो जाओ, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ, अब कर दो। हाय बेला, आप न्यू आए हो? हाय पापा, ये भागने में उस्ताद है। थोड़ा सा चाने। हाय बेला। टुक टुक, ये भी नहीं आई है? हाय टुक टुक, ये चल नहीं पा रही है क्या? हाँ, ये बीमारी है, ये लाइफ टाइम ऐसे। अरे अरे अरे, थैंक यू भैया। ओके बाय बाय। ओके जी, ये भी हो गया डन, अब चलते हैं घर और मैं अपने वाले कुत्तों को मिलाती हूँ पहले आपसे। पहुंच गई घर में, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बच्चे रहे हैं, सो मस्त वाली नींद में, पक्का मिष्टी तो कंबल के अंदर घुसी हुई है, और एटम बहुत लेजी हो रखा है, दोनों नीरज के कमरे में, क्योंकि कोई मेरे पास भाग के नहीं आया, मस्त सो रहे हैं, ना मिष्टी की कोई आवाज आई ना कुछ, तो इसलिए उनको सोने देते हैं, मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। मेकअप वेकअप उतारती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा थी यार, उसने मतलब बैंड बजा दी थोड़ी। और ये रहा एग्जैक्टली मेरा नोज रिंग, आई डोंट नो तब आपको अच्छे से दिखा था या नहीं दिखा था, बट ये ब्लू कलर का है अंदर से, और आसपास सारे छोटे 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 डायमंड्स हैं। ओके, अब अच्छी सी लाइट में आपको मैं दिखाती हूँ। एक मैंने बनाई ये टेक्सचर पेंटिंग अपने दिमाग से, एवी मतलब बस कुछ भी जो दिमाग में आ रहा था वो बनाई, ये सेकंड नंबर पे बनाई थी, और ये है जो मैंने फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले बनाई थी। ये मेरी फेवरेट है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे, बहुत ही अमेजिंग है, और ये लाइन्स वाइन्स इतनी अच्छी आई है, और जो वो मेंटोर थी वहां पे धरा, उसने बहुत तारीफ करी थी, दैट इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड यू हैव डन अ गुड जॉब। इसके पीछे ना बस कोई हुक नहीं है लगाने के लिए कैनवस के, नहीं तो मैं इसे कहीं पे लटका देती, बट अभी हुक नहीं है, तो इसको देखते हैं कोई जगह बनाते हैं।
मैंने यहाँ पे लगा दिया है बेसिकली, ये सोफा है, सोफे के सामने यहाँ पे इस तरीके से। पहले याद है ना हमारा यहाँ पे टीवी हुआ करता था, टीवी अब अंदर जा चुका है, तो ये यूनिट एक्चुअली काफी खाली सी थी, तो मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है। अपने हाथ से बनाई हुई चीज का स्वाद ही कुछ और है। ओके, फ्रेश हो गई हूँ मैं एक्चुअली नहाई ली, मुझे बहुत गर्मी हो रखी थी और स्वेटिंग हो रही थी तो इसलिए। और अब बज गए शाम के 4, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, रिलैक्स करूंगी और फिर मुझे करनी है एडिटिंग। 2-3 घंटे जाएंगे इस वीडियो में, तो आज निपटानी है मुझे वो वीडियो, बिकॉज कल मुझे वो वीडियो ब्रांड को भेजनी है। एक्चुअली मैं कर भी कर सकती हूँ यार, एक्चुअली आज ही निपटा देती हूँ क्योंकि कल फिर मैं किसी और वीडियो की एडिटिंग कर लूंगी, अब आज टाइम है। बट नहीं यार, आज संडे है, नहीं मैं बस रेस्ट करती हूँ। नो वर्किंग ऑन संडे। मैंने बीच में लास्ट 4-5 संडे से इतना अच्छा रूल बनाया था, तो मैं आज क्यों काम कर रही हूँ? नो एडिटिंग टुडे, आई एम नॉट डूइंग एडिटिंग एट ऑल नाउ। हाँ, मैं सिर्फ रिलैक्स करूंगी, कल करूंगी काम शुरू। ओके, मैंने लगा लिया फेस पे खूब सारी मन के एलोवेरा जेल, क्योंकि बहुत गर्मी है और आजकल मुझे एलोवेरा जेल लगाने में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। दिखाती हूँ कौन सी, दिस इज द वन दैट आई एम यूजिंग करंटली। ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी थी, एक्चुअली मैंने थोड़ा टाइम पहले मंगवाई भी थी एक न्यू एलोवेरा जेल, बट मैं मिस कर गई थी इसे अपनी वैनिटी में, मुझे दिखी नहीं थी, मुझे याद ही नहीं था कि एक पड़ी है। ये आई थिंक मुझे किसी पीयर में आई थी बहुत पहले, तो फिर मैंने लगानी शुरू करी, अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, देख लेना अगर आप लोग क्या भी बहुत गर्मी है और आपको मन है फेस पे कुछ कूलिंग सा ठंडा सा लगाना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एलोवेरा जेल। और ये रहा कैरेटलिन से जो बैग मिला है, बड़ा क्यूट सा, ये ऐसे रिबन लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बड़ी क्यूट सी बॉक्स है, अभी ऑब्वियसली खाली है क्योंकि मैंने पहना हुआ है। बाय द वे, दिस इज माय फर्स्ट एवर परचेज फ्रॉम कैरेटलिन। ये देखो मेरी कार्ड वाली डब्बी यहीं पे पड़ी रहेगी थी, इसके अंदर मेरे सारे कार्ड्स होते हैं, जिस वजह से मैंने फोन से व्लॉग शुरू किया था। फिर I usually don't pick up the camera when I'm crying, but अभी last 3 घंटे से I'm in a lot of pain. So endo में जो ये pain होती है, ये सिर्फ periods में नहीं होती है, आगे पीछे भी होती है, कब हो जाए वो पता भी नहीं चलता है। So I was having a good day today, काफी productive भी था, अभी last 3 hours were really bad. मुझे I think 5 बजे दर्द शुरू हुआ था और अभी 9 बजे हैं, और मैं यूजुअली जब मुझे दर्द होती है, मैंने देखा है, मैं तब नहीं रोती हूँ। 8 बजे ख़त्म हुई, और जब ख़त्म हुई ना उसके बाद अब मैंने रोना शुरू किया है। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट विद मी ऑन दिस और नॉट, थक जाती हूँ पेन से। एनीवेज, जितना भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, जितने भी मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, मैं सारे मैसेजेस पढ़ रही हूँ, और सबका जो सार निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि लाइफस्टाइल को बेटर करना पड़ेगा। So I'm just trying my best in this journey. मैं कई बार हो सकता है गलत जाऊंगी, intentionally ऐसे शायद, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, intentionally भी होगा, लेकिन जब शायद जो taste है जीभ का वो मुझे control करेगा, but वो बहुत कम होगा। I will try my best कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी कर लूँ। एनीवे, कल से मैं योगा भी ज्वाइन कर रही हूँ। आई नो स्लो प्रोसेस रहेगा ये योगा के साथ, या जो भी मैं लाइफ स्टाइल चेंजेस करूँगी उनके साथ, बट स्लो रिजल्ट इज बेटर देन नो रिजल्ट। मैंने ऐसे व्लॉग के बीच में कभी कैमरा उठा के ऐसे आप लोगों को बताते हुए रोई नहीं हूँ मैं, बट आज काफ़ी मैं ओपन फील कर रही हूँ अभी आजकल आप लोगों के साथ, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया कि मैं अब शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आपको पता है कि अब क्या सीन है एंडो का, तो इसलिए वंस इन अ वाइल हो सकता है आप मुझे थोड़ा ऐसे देख लो, बट आई एम जस्ट लकी, वेरी 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 लकी कि मैं इस पेन में या इस जर्नी को मैं फिर भी काफ़ी कन्वीनियंस के साथ टैकल कर सकती हूँ। आई जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज वीमेन जिनको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू कीप दिस फुटेज और नॉट, आई डोंट इवन नो कि मैं ये डालूंगी या नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी वल्नरेबल हूँ, तो आप लोगों से बात तो कर रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं है कि बाद में एडिटिंग में डालूंगी या नहीं। एनीवेज, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मुझे उन लोगों का मैं तो सोच रही हूँ, उन फीमेल्स का जिनको फिर भी ऑफिस जाना ही जाना है। सो या आई एम वेरी लकी कि मैं फिर भी बेड पे बैठ के एटलीस्ट रो तो सकती हूँ। एनीवे, तो यही अपडेट था अभी। वैसे तो सोचा था कि आज अभी और व्लॉग नहीं करूँगी, चिल करूँगी आराम से, बट लास्ट 3 आवर्स वर पेनफुल, तो मैंने सोचा कि बताया जाए आपको। ओके, एनीवे, गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक, दिस इज द नेक्स्ट डे। थैंकफुली आई वोक अप विद वेरी लेस पेन टुडे। लास्ट नाइट
वॉज वेरी पेनफुल. मुझे बिल्कुल लग रहा था रात को सोते हुए दैट आई विल नॉट बी एबल टू गो टू माई योगा क्लास, बट आई डिड. इट वॉज माई फर्स्ट डे. उसके बाद मैं घर आई, आई हैड माई ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से चिल करके आराम से, बिकॉज आई वॉज वेरी ड्रेन्ड. कल रात को मैं 2:30 बजे सोई हूँ बिकॉज ऑफ द पेन. तो आराम से चिल किया, थोड़ा रिकवर किया अच्छे से, और उसके बाद अब मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ. एंड अब मुझे लग रहा है कि ये नोज पिन बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली बड़े वाला मुझ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अभी तक जो मैंने छोटा पहना हुआ था वो हार्डली दिखता था, बट आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड. एनीवे नहा धो ली हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से, बहुत फ्रेश हो गई हूँ एकदम से. अभी सीन ये है कि आज मेरे को करना है एडिट, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिट करना है, और ब्रांड को देनी है वीडियो आज में. तो आज मैं सारा दिन उसी की एडिट में लगी रहूंगी. बाकी छोटे मोटे और काम है, एक दो चीज़ें बैकएंड वाली करनी है. दोनों बच्चे ये देखो, एक ही रहा और एक ही ये निकल के आई. हाय मिस्टर बाबा. ये डोंट वरी, ये उसकी सेफ स्पेस है. शी लव्स बीइंग देयर अंडर द सोफा. हाय मिस्टर बाबा. हाय गप्पू बाबा. ओ छोजी. हाय शोना बेबी. हाय शोना बेबी. एडिटिंग स्टार्ट करने लगे हैं. एक्चुअली लैपटॉप बहुत गंदा हो रहा है. लेट्स जस्ट क्लीन दिस फर्स्ट. I don't know, आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रही, बट दिस इज ऑल डस्ट और एटम के बाल भी हैं इसमें. हो गया एकदम से साफ, नया दिख रहा है एकदम से. डन, लेट्स स्टार्ट एडिटिंग नाउ. हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो. अच्छा, बाय द वे मैंने ड्राई क्लीन के लिए दो चीज़ें दी हुई थी, वो आ गई हैं. ये तो मेरा लैपटॉप बैग है, और ये अगर आपको याद होगा मेरा टोट बैग जो मुझे दीप्ति ने गिफ्ट किया था, ये हम लोग लेके गए थे बाली, और ये इतना काला हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, देख के साफ पता चल रहा था. तो मैंने कहा ड्राई क्लीन करा लेते हैं. बस इतना है कि जैसे पहले ये एकदम स्टर्डी था ना, स्टर्डी नहीं है अभी, थोड़ा सा ऐसे बुझा बुझा सा हो जाता है ना, वो हो गया है. मतलब ख़राब नहीं हुआ है, बट हाँ पहले एकदम स्टर्डी था, वो चीज़ हल्की सी कम हुई है, पर एटलीस्ट साफ हो गया है. और साथ में दिस, ये भी काफी गंदा हो गया था, सो दिस इज ऑल्सो क्लीन नाउ. बाय द वे अगर पहले आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो अभी दिखा देती हूँ, बिकॉज ये कमू ने मुझे गिफ्ट किया था आई थिंक मिस्ट्री बॉक्स टाइप वाली वीडियो में. तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो अलग से दिखा देती हूँ. अगर आपको कोई लैपटॉप कवर चाहिए, लैपटॉप बैग मतलब, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है. इसकी सबसे अच्छी बात मैं दिखाऊँ क्या है, मतलब ये तो है ही पकड़ना वकड़ना और अच्छा है, स्टर्डी है, लेकिन बेस्ट चीज है कि इसके अंदर ऐसे देख रहे हो ऐसे इतनी अच्छी कुशनिंग हो रखी है कि अगर थोड़ा बहुत आपका कहीं पे हल्का बहुत ऐसे लैपटॉप कहीं पे टच हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा सपोर्ट आपको देगा आपके लैपटॉप को. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो इसका लिंक डाल दूंगी मैं. अगर आपको चाहिए कोई लैपटॉप बैग, आप देख रहे हो ऐसा, तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस वन. मिस्टर बाबा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. पकड़ा, हाय हाय, सिगरेट पी रहा है. नाउ ही विल वेट फॉर मी टू लीव, तब खाना शुरू करेगा. जाऊं मैं, चुपचाप यहाँ पे बैठी रहा, अगर उसके पास भटकी तो देखियो. अबे शुरू कर दे खाना, नहीं आ रही वो. यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसे, कभी अच्छा लग रहा है कभी अजीब लग रहा है, पता नहीं, बताओ मुझे. मे बी आदत हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा. अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अभी ऐसे लग रहा है. एनीवे अब बहुत स्पीड से करी आज मैंने एडिटिंग. यूजुअली जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं बहुत ऐसे रुक रुक के करती हूँ, लाइक 10 मिनट्स करी, फिर से 2 मिनट्स का ब्रेक लिया, फोन में लग गई, फिर से 10 मिनट करी, फिर छोटा सा ब्रेक लिया. बट आज मैंने बहुत लगातार किया है, खत्म कर दी बिकॉज देनी थी. सो अभी हो गया है लंच टाइम. मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे इस वीडियो को एडिट करने में, वो भी तब जब मैंने एकदम मतलब एक ही स्ट्रेच में करी है. अभी लग रही है भूख, आज बन रहा है घर में पालक पनीर. सो दिस इज द सब्जी प्लस आई एम हैविंग कर्ड.
ओके जी, लंच डन। अब मैं कर रही हूँ शुरू दूसरा वीडियो का एडिट, बिकॉज ये वीडियो मैंने एडिट तो करी है ब्रांड वाली, बट अप्रूवल आने में हो सकता है टाइम लगे, कुछ दिन भी लग जाते हैं कई बार, तो चाहे मैंने उस पर टाइम लगाया है बट ज़रूरी नहीं है कि ये कल वीडियो आएगी, क्योंकि अगर अप्रूव नहीं हुई अभी या कोई चेंजेस आए या कुछ भी हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो फिर मैं वो डाल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मुझे चैनल पर डालने के लिए कुछ तो चाहिए। ओके, शाम हो गई है, अब मेरे को थोड़ी भूख लग गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी लग गई है, बिकॉज सिर्फ सब्जी खाई थी, तो मैं अभी एडिटिंग भी छोड़ रही हूँ, थोड़ी देर काफ़ी कर ली है, थोड़ी देर चिल करूँगी और साथ साथ खाऊंगी मैं वाटरमेलन। ओके, साथ साथ मैं करूँगी थोड़ा रीड, सो ये मैंने शुरू की हुई है, राइट नाउ आई एम एट 26th पेज। बस फिर मैंने रीडिंग करी थोड़ी देर और उसके बाद मैंने किया चेंज, पहने अपने थोड़े वर्कआउट टाइप वाले कपड़े और मिष्टू को लेके आ गई नीचे। अभी शाम की वॉक मिष्टू की जो होती है वो मैं ही करवाती हूँ, ये भी मैंने एक लाइफस्टाइल में चेंज किया है, इससे मिष्टू और मैं बहुत अच्छा टाइम भी साथ में स्पेंड करते हैं और मेरी वॉक भी हो जाती है। एंड मिष्टू एक्चुअली अनलाइक एटम ना, उसे कितनी भी वॉक करा लो ना तो वो थकती है, शी इज अ वेरी एक्टिव बच्चा। जैसे एटम दो राउंड मारेगा और उसके बाद उसे आ जाता है कि बस अब मुझे ऊपर जाना है, तो मिष्टू इज वेरी एक्टिव दैट वे, तो वो मेरे साथ एक घंटा वॉक भी कर लेती है एंड शी इज always very happy। So walk किया और फिर वापस आके थोड़ा fresh होके नहा धोके वापस से change करके night suit में आ गई मैं। अब थोड़ी सी reading और करूंगी और इस तरीके से मैंने अपना किया दिन का end और इस तरीके से गए मेरे last दो दिन, काफी adventurous थे, मतलब एकदम से बहुत खुश और एकदम से ही मतलब you know pain, तो but yeah ठीक है, this is what it is। Hope you guys enjoyed this video, if you did let me know in the comments and I will see you guys super soon in my next video। Till then, bye bye, take care guys.